हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की टॉपिक में डिस्कशन करेंगे जो असेसमेंट प्रोसेसिंग का जो हमारा जो जो चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। जो रिमेनिंग सेक्शन है उस पर डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। अब बात आती है इसमें जो असेसमेंट प्रोसेसिंग्स में एक सेक्शन होता है सेक्शन 133। सेक्शन 133 ये सेक्शन अपने आप में असेसिंग ऑफिसर को या इनकम टैक्स अथॉरिटी को पावर देता है। क्या पावर देता है कि इन्फॉर्मेशन वो किसी थर्ड पार्टी से मांग सकता है। कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, या इनके पास असेसमेंट पे जो अथॉरिटी है उनके पास पावर है कि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग अगर नहीं है, अगर असेसिंग प्रोसीडिंग अगर नहीं चल रहा है, तो उस केस में भी वो एक अपने मतलब कोई सर्टन ऑफिसर से, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर एक ऑफिसर होते हैं, उनका अप्रूवल लेके वो इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं किसी थर्ड पार्टी से। तो एक बहुत बहुत यूजफुल टूल है ये सेक्शन है ये इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए, एक मतलब कि इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। ये इन्फॉर्मेशन किससे मांग सकते हैं? फॉर्म से। ये कौन मांग सकता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन कॉल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनी पर्सन। एनी पर्सन में इन्होंने टोटल छः चीज़ों को, छः पार्ट को आया है, छः टोटल इसमें 1, 2, 3, 6 1, 2, 6 हैं टोटल सब सेक्शन। पहला है फॉर्म, वो फॉर्म से मांग सकता है कि कुछ से भी कि नेम एंड एड्रेस विथ रिटर्न ऑफ पार्टनर। वो क्या मांग सकता है? नाम, पता और रिटर्न पार्टनर का, ठीक है। सिमिलरली एचओ के केस में भी मेंबर का क्या मांग सकता है? नेम, एड्रेस, इनकम टैक्स रिटर्न, किसका? एचओ के मेंबर का। सिमिलरली एनी पर्सन, सिमिलरली एनी पर्सन केस में वो क्या है क्या कि अगर असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर भी आएगा, उनको उसको क्या है रीजन टू बिलीव है कि ये पर्सन है क्या है, जो पर्सन से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो क्या है, हो सकता है ट्रस्टी हो, गार्जियन हो, एजेंट हो, तो क्या कर सकता है, उसको बोल सकता है उस पर्सन को कि मतलब जिनके जिनके पास जिनके पास रीजन टू बिलीव है कि ये ट्रस्टी है या गार्जियन हो सकता है या एजेंट हो सकता है, कि फर्निस रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम का मांगेगा, नेम ऑफ द पर्सन फॉर और ऑफ होम ही इज ट्रस्टी, गार्जियन, एजेंट एंड ऑफ देयर एड्रेसेस। अब क्या है कि अब उसका क्या मांग सकता है, और जिसका वो ट्रस्टी है, गार्जियन है, एजेंट है, या उसका एड्रेस मांग सकता है, रिटर्न ऑफ इनकम मांग सकता है। अब तीस चौथा क्या आता है कि एनी एसएससी में कौन आ जाएगा? टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द ऑल पर्सन टू होम ही हैज पेड इन एनी प्रीवियस ईयर रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकरेज, एन्यूटी एक्सेट्रा, ठीक है। अब किसी भी एसएससी से अगर एसएससी ने क्या पे करा है, किसको, किसी थर्ड पर्सन को, क्या रेंट अगर पे करा, इंटरेस्ट पे करा है, कमीशन पे करा है, रॉयल्टी पे करा है, ब्रोकरेज पे करा है, या कोई एनुटी पे करा है। इस केस में यहाँ एनुटी में सैलरी वाली एनुटी नहीं आएगी, या कुछ रिटर्न लिमिट है वो मैं थोड़ा सा, या कुछ सस्ती से अगर किसी ने क्या करा है, रेंट पे करा है, इंटरेस्ट पे करा है, कमीशन पे करा है, रॉयल्टी पे करा है, ब्रोकरेज पे करा है, या एनुटी पे करी है, उससे क्या करता है इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। एनी डीलर, ब्रोकर, एजेंट और एनी पर्सन, उसमें क्या आएगा, फर्निश स्टेटमेंट ऑफ द नेम, एड्रेस ऑफ द ऑल पर्सन टू होम ही और द एक्सचेंज पेड एनी सम इन अकॉर्डेंस विथ द ट्रांसफर। अब क्या है कि यहाँ पर ये किसी भी एजेंट से, डीलर से, ब्रोकर से वो स्टेटमेंट, उसका नाम, एड्रेस मांग सकता है कि जिसको क्या करा है, एक्सचेंज में कोई अमाउंट पे करी है या कोई ट्रांसफर करा है, ठीक है। या ये मतलब इन लोगों से ये क्या कर सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा सेक्शन, क्या सेक्शन 133 सबसेक्शन 6। यहां पर क्या है कि जब असेसमेंट, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन सबसेक्शन इसलिए है कि अगर अगर क्या है, अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग चल है, स्टार्ट चल रहा है, उस केस में एओ को पावर है कि वो क्या करेगा, अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 में नोटिस इशू करेगा थर्ड पार्टी को, और क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। उसमें क्या है कि ये क्या कर सकते हैं,
कि बैंक से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, बैंक से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, अकाउंट होल्डर का डिटेल मांग सकते हैं एक्सेट्रा। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक रिलेटिंग टू एनी अकाउंट होल्डर एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 136 अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 द असेसिंग ऑफिसर सीआईटी अपील चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स प्रिंसिपल, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स प्रिंसिपल डायरेक्ट, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स प्रिंसिपल, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स में रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने टोटल हायरार्की दे दी कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं ये लोग, एओ, सीआईटी अपील, सीसीआईटी, सीआईटी, पीसीसीआईटी, पीसीआईटी, पीडीआईटी, डीआईटी, पीडीजीआईटी, डीजीआईटी क्या कर सकता है किसी भी पर्सन से, क्या बैंक बैंक उसके अकाउंट होल्डर से बैंक से डिटेल इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। अब यहाँ पर है क्या कि उसी में बोलता है क्या कि फर्दर देट द पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंक्वायरी इन केस वेयर वेयर नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, मतलब यहाँ पर प्रोसीडिंग की बात कर रहा था, जब असेसमेंट प्रोसीडिंग हमारी चल रही है। इस पैराग्राफ का मतलब हो गया कि हमारे असेसमेंट प्रोसीडिंग के टाइम पे ये सारे इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ बात करता है कि अगर हमारा असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं चल रहा हो उस केस में क्या होगा कि प्रायर अप्रूवल लेना होगा किससे, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर से, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर विदाउट प्रायर अप्रूवल। ठीक है, दोबारा हम समझते हैं एक बार, यहाँ पर अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग हमारा अगर नहीं चल रहा है तो किस पावर, किस अथॉरिटी, प्रिंसिपल डायरेक्टर को, डायरेक्टर प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर को पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं किसके लिए, बैंक से डिटेल निकलवा सकते हैं किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 में, कब, जब असेसमेंट प्रोसीडिंग हमारा नहीं, कोई पेंडिंग नहीं है तब। अदर देन, अब इसके अलावा क्या है कि ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर और एज द केस में भी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। अब इस केस में डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर को पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन इनको यहाँ से बैंक से ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है क्या कि असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं हो तब की बात कर रहे हैं कि अप्रूवल की जरूरत होगी, या तो प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर के रैंक से नीचे का कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए। बट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कथिरूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि रूलिंग है यहाँ पर कि इवन वेयर नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट अ पर्सन द एओ कैन डेफिनेटली कॉल द इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 विच इज यूजफुल और रेलेवेंट टू द एनी इंक्वायरी विथ परमिशन ऑफ डीआईटी और सीआईटी। अब क्या है कि अगर कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है किस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अकॉर्डिंग, किस केस में, कथिरूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक के अकॉर्डिंग, इसमें क्या करेगा इन्फॉर्म, अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं चल रहा तो उस केस में क्या होगा कि डीआईटी और सीआईटी के अप्रूवल से क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को मांग सकता है। सेक्शन 133 सबसेक्शन ए, यहाँ पावर ऑफ सर्वे की बात किया गया है। सर्वे क्या होता है कि सर्वे वो होता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगी, किसी बिल्डिंग प्लेस जहाँ पर बिजनेस हो रहा है या हम कोई आदमी प्रोफेशन अपना कर रहा है या कोई चैरिटेबल एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर वो जाएगा, उसको वहाँ पर एंटर करेगा, उससे क्या करेगा इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकता है। पर सर्वे में क्या होता है समझते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंटर एनी बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग और प्लेस एट विच बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन और एक्टिविटी ऑफ चैरिटेबल पर्पस इज कैरिड ऑन, मतलब जहाँ पर बिजनेस, जिस प्रेमिसेस या प्लेस में क्या हो रहा है, प्लेसेस या प्रेमिसेस में क्या हो रहा है, बिल्डिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई अगर बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, बिजनेस या प्रोफेशन वहाँ पर कोई एक्टिविटी चल रही है या प्रोफेशन का या कोई चैरिटेबल एक्टिविटी चल रही है तो वहाँ पर क्या सकता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कर सकती है, इंटर कर सकती है, प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है। यह एक प्रोविजन डाला गया है प्रोवाइडेड दैट कि नो एक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी विदाउट अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या
चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूवल चाहिए। कब? किसी सर्वे करने से पहले किसका अप्रूवल चाहिए? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स का, या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स का, या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूवल चाहिए सर्वे के लिए। इनकम टैक्स अथॉरिटी में यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो इनकम टैक्स अथॉरिटी की बात करें कि इंटर कर सकते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन कौन आ जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि अप्रूवल जरूरी है। अप्रूवल किसका होगा? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, क्या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूवल की जरूरत है। कब? सर्वे के केस में। अगर ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असेसिंग ऑफिसर, या टैक्स रिकवरी ऑफिसर, TRO जिसको बोलते हैं। अब इस इनकम टैक्स अथॉरिटी में इसके अलावा क्या हो जाएगा? इंस्पेक्टर भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स, प्लस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड मार्क कॉपी एंड एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम एंड फॉर सर्वे एट एनी फंक्शन सेरेमनी इवेंट हुई ऑर्डिनेट टू द PDGIT, DGIT, या PCCIT, या CCIT, एज द केस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय CBDT। यहाँ पर सब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असेसिंग ऑफिसर, या टैक्स रिकवरी ऑफिसर, वो किसके सब ऑर्डिनेट होंगे? ये तो या तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के, या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो इसके सबऑर्डिनेट होंगे वो इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब यहाँ पर जो सर्वे में अगर वो किसी बिजनेस प्रेमिसेस में अगर इंटर हो रहे हैं या प्लेसेस में इंटर हो रहे हैं तो उनको क्या करना है, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या पावर है? तो पावर ये है कि वो किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? कैश को वेरीफाई कर सकते हैं, स्टॉक को और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल का भी वो चेक कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई मार्क्स लगा सकते हैं, फ्लैश, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? वो कैश का इन्वेंट्री बना सकते हैं, स्टॉक बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं इन्वेंट्री किसका बना सकते हैं? वो कैश का, स्टॉक का, या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल का। वो क्या कर सकता है? इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितना, मैक्सिमम 15 दिन के लिए अपने अंडर वो ले सकते हैं। और सर्वे में एक और भी चीज हो सकता है कि आप किसी पर्सन का क्या कर सकते हैं? स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हो गया कि ये मतलब बिजनेस प्रेमिसेस में इंटर करने के बाद ये कर सकते हैं। अब कितनी बार कहानी ये होती है क्या कि आदमी बिजनेस कहीं और कर रहा है, ठीक है, और अपने रिकॉर्ड्स को कहीं और मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डॉक्यूमेंट्स को डिटेल्स को कहीं और मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी वहाँ भी मतलब अदर देन बिजनेस प्लेसेस भी प्रेमिसेस भी इंटर कर सकती है जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रखा जा रहा है, या असेट्स को जो बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स है उसको वहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही बोला है, इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एसेट्स रिलेटिंग टू बिजनेस और प्रोफेशन और चैरिटेबल पर्पस आर केप्ट एट सम अदर प्लेसेस देन सच अदर प्लेस कैन ऑल्सो बी कवर्ड अंडर सर्वे। बिजनेस हो रहा है, प्रोफेशन हो रहा है, या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, प्रोफेशनल एक्टिविटी हो रही है, चैरिटेबल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ तो राइट है ही। उसके अलावा कि वो प्लेसेस जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन रखा जा रहा है, या कोई बिजनेस रिलेटेड कोई एसेट्स को वहाँ दूसरी जगह पर रखा जा रहा है जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह पर, तो वो जगह भी कवर्ड है जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट को रखा जा रहा है, या उस बिजनेस एसेट्स को रखा जा रहा है सर्वे में। अब सर्वे में क्या है कि एक एंट्री रिस्ट्रिक्शन है। एंट्री रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी कभी नहीं आ सके, मतलब उनका टाइम है कि एंट्री कब करेगी। एंट्री टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी ओनली ड्यूरिंग द दोज आवर्स ड्यूरिंग विच सच प्लेस
केप्ट ओपन फॉर कंडक्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब जिस टाइम पे बिजनेस प्रोफेशन ओपन कंडक्ट करने के लिए अगर ओपन है तो उस टाइम पे वो एंट्री कर सकती है। मतलब अगर किसी बिजनेस प्रोफेशन मतलब नॉर्मल कोर्स में अगर बंद है, नॉर्मल टाइम में अगर बंद रहता है तो उस टाइम पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। जिस टाइम पे नॉर्मल कोर्स में अगर खुला हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे, वो वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। किसके लिए? सर्वे के लिए। ये कहाँ पर बिजनेस बिजनेस और प्रोफेशन की बात हो गई, ये तो बिजनेस और प्रोफेशन की बात हो गई। अगर जहाँ पर मतलब अदर प्लेसेस जो मैंने ऊपर बात करा था उसमें क्या होगा, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पर अगर सपोज यहाँ मान ले वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट, मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के सूर्योदय मतलब सूर्य सनराइज के बाद और सनसेट सूर्यास्त के पहले वो एंट्री कर सकते हैं। बगैर यहाँ पर जहाँ बिजनेस वो एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पर अगर सपोज वो अगर वो 12 बजे रात बजे सूर्यास्त के बाद भी अगर खुला रहता है, अगर वो बिजनेस प्लेसेस या ऑफिसेस क्या है सूर्यास्त के बाद भी सनसेट के बाद भी खुले रहते हैं, उस यहाँ पर वो आफ्टर सनसेट भी ओपन कर इंटर कर सकते हैं। कब? अगर आफ्टर सनसेट भी क्या हो रहा है, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है या चैरिटेबल एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है या प्रोफेशनल एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, उस बिजनेस पर बिजनेस प्लेसेस भी या प्रोफेशनल प्लेसेस भी या चैरिटेबल एक्टिविटी जहाँ हो रही है तो वहाँ पर अगर सनसेट के बाद भी इंटर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू उस टाइम पे उनका बिजनेस एक्टिविटी प्लेसेस खुला हुआ रहना चाहिए। अदर प्लेस में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप सूर्योदय मतलब सूर्य उगने से पहले नहीं जा सकते या सूर्य डूबने के बाद आप नहीं जा सकते। ये एंट्री जो एंट्री का रिस्ट्रिक्शन है वो किस पर्पस के लिए, ओनली एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब एक बार आप इंटर हो गए तो आप इंटर बोले कंक्लूड करके ही निकलते हैं लोग यहाँ से जहाँ भी सर्वे लेंगे। दूसरा कंक्लूड करने एग्जिट के एग्जिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओनली क्या है एंट्री के लिए ही रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है। अगर ये क्या करते हैं एग्जिट कर जाते हैं तो इनको दोबारा से क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा किससे, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल से ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स से या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से दोबारा इनको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा बिजनेस प्लेसेस में। और क्या कर सकते हैं, ये एग्जिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर एंट्री हो गए तो वो कंक्लूड करके ही निकलेंगे, निकलते हैं नॉर्मल कोर्स में। अब यहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या दिया गया है कि पावर दी गई है कि उनको लगता है कि किसी भी सर्वे में किसी भी फंक्शन में सेरेमनी में इवेंट में अगर उनको लगता है कि जो भी जिसका इवेंट या फंक्शन या सेरेमनी चल रही है जोरों से ज्यादा खर्चा किया किए गए हैं तो उस टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर है कि उस सेरेमनी फंक्शन या इवेंट में जाकर वो सर्वे कर सकते हैं। वो सर्वे कर सकते हैं कब, वो फंक्शन सेरेमनी खत्म होने के बाद। हमारे कुछ पॉलिटिशियन है मतलब इंडिया में ही, उनका कुछ सर्वे कुछ किसी की बेटी की शादी हुई थी, किसी का कुछ फंक्शन था तो वहाँ पर फंक्शन उनका डिपार्टमेंट को लगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि उन्होंने बहुत अधिक खर्च करा है तो उन्होंने शादी फंक्शन में ही चले गए या शादी के फंक्शन में या जो भी फंक्शन हो या सेरेमनी इवेंट हो कोई रिकॉर्ड नहीं डालेंगे, वो काम आराम से कीजिए। जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे या इंक्वायरी करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कब, जब इन्हें लगता है कि जो खर्च हुए हैं बहुत बेतहाशा खर्च हुआ है तो इसलिए इनको हल्के में ना लें। यहाँ दोबारा पढ़ते हैं इसको, द इनकम टैक्स अथॉरिटी इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू एनी सर्वे एट एनी फंक्शन सेरेमनी और इवेंट देन दे कैन सर्वे सच प्लेस बट आफ्टर कंक्लूजन सेरेमनी और इवेंट एंड रिक्वायर्ड एनी पर्सन टू फर्स इंफॉर्मेशन एज ही मे रिक्वायर स्टेटमेंट गिवन बाय सच पर्सन कैन बी रिकॉर्डेड। अगर अब दूसरी बात आती है क्या कि अगर कोई बंदा या जो एसएससी है सर्वे में कोऑपरेट नहीं कर रहा तो इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कर सकती है, उसका क्या है कि उनको समन इशू करेगी कि भाई तू आ मेरे इनकम टैक्स ऑफिस आ, और तुम्हारा हम क्या करेंगे समन में सारा इन्फॉर्मेशन उससे निकलवाएंगे वहाँ पे। कब, अगर सर्वे में कोई पर्सन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, वहाँ पर
वो क्या करेंगे, उसको समन इशू करेंगे अंडर सेक्शन 131 में। अब टीडीएस या टीसीएस सर्वे, ये तो नॉर्मल सर्वे था। अब टीसीएस, इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन कंडक्ट सर्वे फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग टीसीएस ऑब्लिक टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड कलेक्टेड एंड पेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वो सर्वे टीडीएस का भी क्या कर सकते हैं, टीडीएस का भी या टीसीएस का भी सर्वे कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी किसी भी बिजनेस प्रेमिसेस में एंटर हो सकते हैं जहां बिजनेस चल रही है। बट यहां पर सर्वे वाले में, टीडीएस सर्वे में क्या करा है, यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कब, बिफोर मतलब आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट, मतलब सूर्य उगने के बाद और सूर्य डूबने के पहले वो क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। कहाँ पे, टीडीएस सर्वे के लिए, टीडीएस टीसीएस या टीडीएस सर्वे के लिए। और यहाँ पर इनको एक राइट दिया गया है कि जिस जिस जुरिडिक्शन में है बस उसी जुरिडिक्शन का वो सर्वे कर सकते हैं। सो वो सिमिलरली यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट, टीडीएस सर्वे भी बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और लगता है कोई अगर डॉक्यूमेंट इनको वेरीफाई करना है तो वो वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा बोला है क्या कि हाउ बा इन इन टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस सर्वे द इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन नॉट इम्पाउंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट, दे कैन नॉट मेक इन्वेंट्री ऑफ कैश वैल्यूएबल और स्टॉक। ना तो वो क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स टीडीएस सर्वे में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड नहीं कर सकते, उनके पावर्स नहीं है। और क्या कर सकते हैं, कैश वैल्यूएबल स्टॉक का क्या कर सकते, या और भी जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स है उसका क्या कर सकते हैं, ये उसका इन्वेंट्री नहीं बना। सेक्शन 133 सबसेक्शन सेक्शन 133B, पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या पावर दिया गया है, इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंटर एट एनी प्लेस एट विच बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन देयर फ्रॉम। द इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंटर एट एनी प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन रेफर्ड अबव ओनली ड्यूरिंग द आवर एट विच सच बिजनेस इज ओपन फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब जिस टाइम पे ओपन रहेगा उस टाइम पे वो जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन बाय प्रेस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी, मतलब इनकम टैक्स जो कहा दिया गया है अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 3, अंडर सेक्शन 133C में। इनकम टैक्स अथॉरिटी में फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन इट्स पोजेशन रिलेटिंग टू एनी पर्सन इशू अ नोटिस टू सच पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट यूटिलाइज सच इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम 35A, दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज इवन इफ नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। यार इन्वेस्टिगेशन विंग के पास क्या पावर है कि अगर वो किसी भी पर्सन को इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग के पास क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन विंग के पास कोई इन्फॉर्मेशन होता है, वो क्या करेंगे उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए किसी भी पर्सन को क्या करेंगे 133C में नोटिस इशू करेंगे कि भाई हमें कोई डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन या जो भी है आप फर्निश करो और उसे क्रॉस वेरीफिकेशन, जो उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन या पोसेशन पहले से है उनको वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर बात कर रहा है सेक्शन 135A का। यहाँ पर फेसलेस मैनर में भी ये हो सकता है, फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एज पर द स्कीम पावर्ड अंडर सेक्शन 133B, 133C शैल बी एक्सरसाइज फेसलेस मैनर प्रेस्क्राइब बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।